वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जय हिंद आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरी वन सो वेलकम टू ऑल एज ऑलवेज द वीकली करंट अफेयर्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी सो बिफोर आई स्टार्ट लेट्स इंटरक्ट दैट हाउ वज यू एग्जाम यस्ट अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है कल तो कैसा एग्जाम हुआ आपका हेलो सुप्रिया विपिन पाठक शलवी नेहा कुमारी राम राम जी वेरी गुड आफ्टरनून सबको दैट्स मे आकाशवदेव सो श्योली विल डू द करंट अफेयर्स नाउ लेट मी स्टार्ट विदेरी ब्रीफ यू नो थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू वॉट इज दैट सबसे ब्रीफ चीज यही है जो मैं आपको बताना चाहूंगा देखो वो कहते हैं ना कि इनकेस द एग्जाम डिड नॉट गो एज पर यू एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं ऐसा हुआ हो कि आपके हिसाब से एग्जाम ना गया हो फाइन हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है यहां पर यहां पर आपका हो सकता है एग्जाम यहां पर गया हो सो so, दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है जस्ट मेक श्योर वन थिंग बिल्कुल शलवी मैं जानता हूं बिल्कुल एग्जाम रियली मैटर्स अलॉट टू ऑल ऑफ यू सी यू हैव गॉट एफ कैट कमिंग में यू गॉट एफ मेंट इसी महीने में एंड द नेक्स्ट एग्जाम उसके नोटिफिकेशन अगस्त में आई जाएगी सीडीएस इज देयर इस साल के खत्म होने से पहले सी डी एस अगला आ रहा है so in case the exam did not go as per your expectations I would say one thing कि just think about it three days four days and that's it and किक your next preparation. That's the best strategy I can suggest सजेस्ट you इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता फाइन so और करेंट अफेयर्स आपको बताया जाना है एग्जाम की बहुत सारे questions ऐसे रहे जो कि डायरेक्ट आए हैं जो हमने करंट अफेयर्स किए भी हैं एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज वेरी मच एम्फिस ऑन द करंट अफेयर्स मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स को हल्के में मत लीजिए करंट अफेयर्स को अच्छे से कीजिए हमेशा अब लास्ट वीक तो बहुत फिनोमिनल रहा चाहे वो वर्ल्ड वर्ल्ड वेटलैंड डे हो कैंसर डे भी था इंडियन कोर्स कोस्ट गार्ड का डे था श्रीलंका की इंडिपेंडेंस डे था हमने देखा प्रबुद्ध भारत मैगजीन की एनिवर्सरी मनाई गई कहीं पे जो आदिवासी हैं उनका महोत्सव स्टार्ट हुआ कहीं पे हमारी पड़ोस की कंट्री में कू हुई मिलिट्री ने पावर को कैप्चर कर लिया अलॉर ऑफ थिंग से वॉज अ वेरी फिनोमिनल वीक आई वुड से Uh, बिल्कुल 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 चलिए अभिषेक बहुत बढ़िया बात है ये तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ठीक है कट yeah. ऑफ के ऊपर हम लोग बिल्कुल बात करेंगे ट्रस्ट मी वी वुड वी वुड श्योरली टॉक ऑन दैट अभी की ये जो क्लास है इसके अंदर हम लोग फोकस कर लेते हैं करंट अफेयर्स पे ठीक है जी इस पर हम लोग करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं लास्ट वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहा उस पर एक बार हम लोग आन दौड़ा लेते हैं फटाफट फाइन सो ऑल द पीपल आउट द ट अर्स फर्स्टली फोकस ऑन द करंट अफेयर्स देखिए करंट अफेयर अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज करंट अफेयर सो लेट्स डू दैट आर यू ऑलरेडी चलिए लेट्स स्टार्ट विद डेट आपको पता ही होगा बीसीसीआई रिसेंटली कैंसिल द रनजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम अभी रणजी ट्रॉफी इसका कैंसिल होना एक बहुत बड़ी बात है दिस ऑल्सो टेल्स यू वन थिंग दैट कोविड इज अ वेरी सीरियस थिंग ऑफकोर्स वी नो दैट कोविड इज सीरियस लेकिन रणजी ट्रॉफी का कैंसिल होना यह बात हमें कंफर्म कर देता है ये बात हमें कंफर्म कर देता है दैट कोविड इज वेरी सीरियस अब ये सोचो आप नेशनल लेवल के ऊपर रणजी से ऊपर कुछ भी नहीं है रणजी ट्रॉफी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज रणजी ट्रॉफी को कैंसिल किया गया ये एक अपने आप में बड़ी बात है एंड वी सॉ देन नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था पता है कि नहीं आपको नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था एंड सिंस देन इट इज़ हैपनिंग फाइन इंस्टीट्यूट ऑफ रणजी ट्रॉफी बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी करवाएंगे क्लियर तो रणजी ट्रॉफी बेसिकली कैंसिल हो गया इतनी सी बात है अब जब भी बात आती है रणजी ट्रॉफी की रणजी ट्रॉफी की बात आती है तो रणजी ट्रॉफी किसके नाम पे था ये बात कई बार आपको नहीं पता चलती है तो ये मैं बता देता हूं इट कैन प्रूव टू बी ऑफ अ ग्रेट एडवांटेज टू ऑल ऑफ यू रंजीत सिंह जी विभाजी हुआ करते थे महाराज उनके नाम पे बेसिकली रणजी ट्रॉफी का नाम पड़ा है सो आई थिंक ये जो जानकारी है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी आपको बताया ना ये नवानगर के ये क्या थे महाराजा थे नवानगर के महाराजा थे और ये बहुत अच्छे क्रिकेटर थे खुद भी तो इनके नाम पर ही ये स्टार्ट हुई थी नवानगर कहाँ थी नवानगर बेसिकली गुजरात में था नवानगर ठीक है तो महाराजा गुजरात में जाम साहेब इनको बोला जाता था रंजीत सिंह जी विभाजी टू इन्हीं के नाम पर स्टार्ट की गई थी 1934 में रणजी ट्रॉफी पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे एज ऑलवेज विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस करंट अफेयर्स हम लोग मैक्सिमम इसमें से करने की कोशिश करेंगे आपको तो पता ही होगा इनकी डेथ हो गई थी 60 साल की उम्र में 1933 में तो इनको एक तरह से श्रद्धांजलि जी गई थी बिकॉज ही डाइड ही डाइड इन नाइनटीन और तभी 1934 में रणजी ट्रॉफी स्टार्ट की गई अलग अलग टीम्स है देखिए हर साल पूरा साल ही सीजन चलता है ना पूरा रणजी ट्रॉफी का राजे पूरा सीजन चलता है तो याद रखिएगा थर्टी एट टीम्स है अलग अलग टीम्स है रणजी ट्रॉफी की और पूरा साल ऐसे चलता रहता है ये कोई ऐसे आईपीएल की तरह नहीं होता दैट्स हाउ इट इज बेसिकली कंडक्टेड एवरी ईयर कई मंथ मंथ तक चलता है रणजी ट्रॉफ़ी हाँ जी आरती बिल्कुल है ये क्लियर हो गया इतना सो नाइनटीन थर्टी से अभी तक कभी सस्पेंड नहीं हुआ था लेकिन इस साल सस्पेंड किया गया भाई इतना याद रख लो नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर दिन की नेशनल इम्यूनाइजेशन डे हर साल मनाया जाता है आप कमेंट करके बताओगे कि कब मनाते हैं हम लोग कौन से दिन मनाया जाता है जनवरी में अट्ठाईस को मनाते हैं ट्वेंटी नाइन थर्टी या थर्टी फर्स्ट ये चार ऑप्शन है बताइए इनमें से चार में से एक सही है क्विकली आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन वेन डू बी सेलिब्रेट और वेन डू वी ऑब्जर्व आई वुड से नैशनल इम्यूनाइेशन डे एवरी ईयर इन आवर कंट्री हर साल हम लोग कब मनाते हैं इसको क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन सो द आंसर इज वेरी गुड इट इज थर्टी फर्स्ट इकतीस जनवरी को हम लोग मनाते हैं इकतीस जनवरी यहाँ पे देख लो स्क्रीन पर लिखा हुआ है साफ साफ थर्टी फर्स्ट जनवरी इस साल भी मनाया गया हर साल मनाते हैं तो इस साल भी मना जाता तो इस साल भी हमने क्या देखा इस चीज़ में यह देखेगा ध्यान से विशो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद लॉन्च पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर 2021। ट्वेंटी so, क्लियर कि, कि, तो किस ओकेजन पे लॉन्च किया गया इसी ओकेजन पे लॉन्च किया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस साल के जो लॉन्च हुए इसलिए ये डे important हो जाता है इसलिए दिस डे इज important। तो अगर किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ये दिन पूछते हैं तो आप समझ जाइएगा कि क्यों पूछा जा रहा है पोलियो रविवार भी बोलते हैं ना पोलियो रविवार तो एक ही बात है गेटिंग द पॉइंट सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एवरी तो इस साल हमने इसको सेलिब्रेट किया है इकतीस जनवरी पे एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड विद फुल एक्साइटमेंट तो हमने इसको इस तरह से सेलिब्रेट किया क्लियर रेलिवेंस समझ आ रही है कि नहीं आ रही है रेलिवेंस समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनी डाउट चलो अब एक बहुत बढ़िया मैगज़ीन है एक बहुत बढ़िया मैगज़ीन है इसको देखिएगा वॉट इज़ द नेम ऑफ द मैगज़ीन Uh, सुष्मिता बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी अभी आप यहां फोकस करो प्रबुद्ध भारत अवेकन इंडिया फाइन अब ये बहुत साल पहले लगभग 125 साल पहले स्टार्ट किया गया था क्लियर किसने स्टार्ट किया था इसको इट आई थिंक आपने पढ़ी लिया वैसे इट वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी स्वामी विवेकानंद विवेकानंदा ने इसको स्टार्ट किया था आपको मैं बताना चाहता हूँ ये वही स्वामी विवेकानंद है जो रामकृष्ण मिशन को मतलब बेसिकली स्टेब्लिश किया इन्होंने रामकृष्ण परमंस के फॉलोअर थे 1893 में शिकागो भी गए थे स्पीच देने और वहाँ से आके इन्होंने बेसिकली इसको स्टार्ट किया था प्रबुद्ध भारता बोलते इसको फाइन ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका तो अभी हमने क्या देखा प्राइम मिनिस्टर ने न ट्वेंटी फिफ्थ जो एनिवर्सरी थी इसकी मनाई है मतलब इसको सेलिब्रेट किया गया इकतीस जनवरी में तो वहां पे आपको पता होगा गया अद्वैत आश्रम है एनी बस आपको ये पता होना चाहिए दैट इट वॉज स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद एटीन नाइनटी क्लियर स्पिरिचुअल विजडम वगैरह का जो मैसेज है ये फैलाने की बात की गई थी ये बात आपको पता होनी चाहिए स्वामी विवेकानंद हाँ जी हाँ जी अभि काफी क्वेश्चन आए हैं पिनाका वाले के अलावा भी क्वेश्चन आए हैं तभी मैं कहता हूँ ध्यान से पढ़ा करूँ पिनाका तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ था कल पिनाका पे क्वेश्चन आया मिल्पा पे क्वेश्चन आया बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं ये गांधी इरविन पैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया कितने अच्छे से हमने सेशन किए थे गांधी इरविन पैक्ट के तो लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे थे अगर आपने अच्छे से किए हैं सारे सेशनस तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बात वही है डेडिकेशन की बात है बात है अपने आप से ऑनेस्ट रहो फाइन थैंक था, था, यू पलक थैंक यू सो मच अजय मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो आपको एग्जाम में अच्छा करने से कोई रोक नहीं सकता बिल्कुल लगाएंगे वैभव आप निश्चिंत रहो प्लानिंग में या सब कुछ एफकेट के लिए भी ला रहे हैं जल्दी इनफैक्ट ये करंट अफेयर जो है का का स्टार्टिंग ये तो आपको आना ही चाहिए ठीक है ना ऑनलाइन एग्जाम एफकेट का तो ये थोड़ा सा अच्छे से करके जाना सारा क्लियर निश्चिंत रहो सबका ख्याल रखा जाएगा सबका साथ होगा सबका विकास होगा चलो यहां पे फोटो में आप देख सकते हो इज अ वेरी यंग पर्सन काफी बड़े अचीवर है ये इनका नाम है जेशा, शाह इज नेम इज जय शाह ठीक है अब रिसेंटली ही वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज़ जेशा शाह काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे क्योंकि इतनी यंग उम्र में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं तो हमने क्या देखा बेसिकली जेशा शाह आपको तो पता ही है हाँ जी हाँ जी तुषार निश्चिंत रहो आप जानते हो जेशा शाह को नाम सुनोगे इज जस्ट थर्टी टू ईयर्स ओल्ड एंड ही इज अ सेक्रेटरी ऑफ द बी सी सी आई ही इज़ ऑल्सो बिन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ही इज अ यंगेस्ट पर्सन टू होल्ड दै ऑफिस बहुत बड़ी बात है अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वह क्या है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ए सी सी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वाटर कहाँ पर है फाइन इसके ऑप्शन ले लो ऑप्शंस हैं ढाका कोलम्बो दुबई या दिल्ली चारों में से एक आंसर है बताओ ये क्वेश्चन आ सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहां पे हैं बताओ जरा एच क्यू कहां है इसका जेषा इज जस्ट थर्टी टू ईयर्स ओल्ड तो आपको यहां पे मैं दिखा रहा हूं हेडक्वार्टर इन कोलंबो साफ साफ लिखा हुआ है नीचे ये देखिएगा इट्स इन कोलंबो ये बॉडी किसके नीचे आती है आईसीसी की सबॉर्डिनेट है ये. ये क्या है सबॉर्डिनेट बॉडी है किसकी आईसीसी की और आईसीसी जो है आईसीसी के हेडक्वार्टर कहां पे है ये है दुबई में यूएई दुबई इज इन यूएई यूनाइटेड एमिरेट्स ये कई बार हेडक्वार पूछ लेते हैं तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखना हर एग्जाम के लिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहां कोलंबो आईसीसी के हेडक्वार्टर कहां दुबई याद रहेगा बिल्कुल अखिलेश क्रैश कोर्स भी करवाएंगे सब करवाएंगे प्रैक्टिस कोर्स तो चल ही रहे हैं सारे ठीक है आप निश्चिंत रहो हर चीज आपको अच्छे से करवाई जाएगी जैसे कि हमेशा करवाई जाती है ठीक है आपने उसमें कोई चिंता नहीं करनी एवरीथिंग विल बी डन नाइसली क्लियर इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क बहुत ज्यादा न्यूज में रहा कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क आपको यह पता होना चाहिए कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क किसके साथ एसोसिएटेड है यह सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है अबाउट कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क ये तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका होता है नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड बेस्ड मैं बताता हूँ इसके बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाइन अब हम लोग क्या देखते हैं जब भी बात आती कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क की कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क इतना न्यूज़ में क्यों रहा है पहले तो अब ये समझो व्हेन वी टॉक बुथ द कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क तो हमने देखा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्या सराहा है उन्होंने इसके अंदर काफ़ी ज्यादा अपनी स्पीचेज वगैरह भी दी हैं सेशन तो जब भी हम लोग बात करते हैं देखो कोविड की वजह से चीज़ें बहुत बदल चुकी है फाइन तो हम लोग क्या देखते हैं एक ये पर्टिकुलरली नेटवर्क है यहां पर प्राइवेट स्टेक होल्डर्स होंगे पब्लिक स्टेक होल्डर्स होंगे और यहां पर उनको काफ़ी हेल्प की जाएगी कॉमन नेटवर्क में काफ़ी हेल्प की जाएगी क्योंकि ट्रैवल वगैरह काफ़ी दिक्कत हो गई है और अगर आप ट्रैवल करते भी हो तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है अपने टेस्ट होते हैं दुनिया भर की चीज़ें होती हैं तो हमने क्या देखा कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क आया है अब ये देखिएगा तो हमने क्या देखा कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क आपको क्या क्या देता है इट विल एम्पावर यू यू ऑल विद डिजिटल एक्सेस टू द हेल्थ इन्फॉर्मेशन दूसरी बात इट विल मेक इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड विद ईच डेस्टिनेशन रिक्वायरमेंट मतलब आप मान लो अमेरिका जाने जाते हो तो ट्रस्ट नेटवर्क बताएगा कि वहां की क्या रिक्वायरमेंट है इट विल हेल्प इंश्योर दैट ओनली वेरीफेबल लैब रिजल्ट फ्रॉम सोर्सेज आर प्रेजेंटेड सो बेसिकली कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क क्या कर रहा है आपकी कोविड रिपोर्ट कहां की है कहां पे कौन सी रिपोर्ट लगेगी आर टी लगेगा या एंटीबॉडीज टेस्ट लगेगा वो सारा चीज बता रही है तो ये किसका है ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एसोसिएटेड है कई बार क्वेश्चन आ सकता है कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क डब्ल्यू एच ओ का है कि आई एम एफ का है कि वर्ल्ड बैंक का है तो आपको पता होना चाहिए वो किसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क किसका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं बट ट्रस्ट ट्रस्टर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दे आर सर्टनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक्स क्लियर है इतना इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब हमने देखा एक बड़ी सैड चीज़ देखी हमने वो क्या थी एक बड़ी दुखद चीज़ देखी डेमोक्रेसी के लिए बड़ी सैड चीज़ है ये वहाँ पर एक बहुत महि मशहूर महिला है इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में भी अगर हम देखते हैं येस वैष्णवी यू आर सी हंड्रेड प्लस वेरी सेफ बट अगेन अगर मेरिट मैंने देखो सिंपल सी बात है आपको हंड्रेड प्लस तो स्कोर करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कम से कम एंसिंग सूखी और विन मिन को क्या किया गया डिटेन किया गया आपको पता ही होगा बहुत बड़ी न्यूज़ है ये मिलिट्री कू इन म्यांमार इसके ऊपर मैंने एक सेशन भी बनाया था अगर आपने देखा हो जिस दिन कू हुई है फेबर स्टार्टिंग में उसी दिन हमने सेशन बनाया था ग्रेडअप पे याद है कि नहीं मिलिट्री कू होगी म्यांमार में कू का मतलब क्या होता है पहली बात तो इसको कूप नहीं बोलते कई लोग इसको बोलते हैं कूप इट इज नॉट कूप इट इज कू सिर्फ कू है ये। पी साइलेंट और याद रखना इसका मतलब होता है तख्ता पलट हम लोग बोलते हैं ना तख्ता पलट मतलब जो डेमोक्रेसी उसको एकदम चेंज कर देना और यहां पे ही इज द मिलिट्री डिक्टेटर नाउ ये बात याद रखिएगा हु इज ही हिज नेम इज मिन ऑंग ये इज अ सीनियर जनरल तमतो तमटो मतलब क्या होता है आर्म्ड फोर्सेज ऑफ म्यन्मार ये वहां की जो आर्म्ड फोर्सेज है उसको बोलते तमटो तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं तमडो कहाँ की आर्म फोर्सेज है इस तरह का क्वेश्चन कल भी आया था हालांकि तमाडो पे नहीं आया लेकिन वो इजिप्शियन में आ गया था तो आपको पता होना चाहिए तमाडो जो है वो आर्म फोर्सेज है म्यांमार की और मैंग वहां की सीनियर जनरल मतलब वो डिक्टेटर है और जो वहां पे असली जो उनके प्रेसिडेंट थे विनमेंट आंगसंग सु की जो काउंसिलर थी उनको जेल में डाल दिया गया दे आर बोथ नाउ डिटेन और ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट वीक कितनी बड़ी खबर है कि म्यांमार में प्रेसिडेंट और स्टेट काउंसिल को उठाकर ही क्या कर दिया गया डिटेन कर दिया गया एंड ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी बिग करंट अफेयर सो ऑल द पीपल हु आर वाचिंग द सेशन मेक श्योर डू एटलीस्ट लाइक एंड शेयर द सेशन आप लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपकी लाइक like वीडियो में चला जाए एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत है 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का बॉर्डर है हमारा सो दैट्स अ मैसिव बॉर्डर एंड वी कान बी केयरलेस क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा इधर है उसके साथ बॉर्डर लगता है सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर अगर आप देखते हो ना हमारा काफी बॉर्डर लगता है किसके साथ बर्मा के साथ म्यांमार बर्मा फाइन और आपको पता ही है क्यों हुई है क्योंकि अभी आंगसंग सुकी की पार्टी जो एनएलडी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो काफ़ी जीत गई थी सीट्स नवम्बर हुई इलेक्शन में इसलिए ऐसा किया गया एक चीज़ और बस याद रख लेना यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता था वो क्या है आ, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने वाले एग्जाम्स में इस सबमरीन के बारे में आपको पता है हमने सबमरीन गिफ्ट की म्यांमार को पता है कि नहीं पता है? हमारे पास एक सबमरीन थी आई सिंधुवीर आई सिंधुवीर को हमने गिफ्ट किया है अब वो उसको बोलते हैं यू एम एस मेन थिंक काथू इट इज़ द फर्स्ट सबमरीन ऑफ म्यांमार इट इज़ द फर्स्ट सबमेरिन ऑफ म्यनमार याद रहेगा आई एन सिंधुवीर को हमने क्या किया गिफ्ट कर दिया आई ए सिंधुवीर इज नाउ द ऑफ की फर्स्ट सबमेरिन 2020 में तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्लियर है इतना सिंपल है इन्होंने वो कमीशन भी की थी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता हो तो इट्स अ गुड थिंग सिंधुवीर है आई एन सिंधुवीर रशियन मेड है वैसे तो Uh, ये एफकेट के लिए ही है सुजीत डोंट वरी अभी सीडीएस का तो हो गया ना एग्जाम अब एफकेट ही तो है हमारा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं मैं जिस हिसाब से पढ़ाता हूं ना उस मतलब कि हमें एग्जाम के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए उस हिसाब से आई ट्राई टू लिंक थिंग्स अप सो मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग कोशिश करें अपने आप को एग्जाम रेडी बनाने के लिए तो एग्जाम रेडी बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ये बात याद रखिएगा वही चीज़ मेरी कोशिश रहती है हमेशा फाइन यू ऑलवेज हैव टू बी एग्जाम रेडी रटना नहीं है चीज़ों को एनी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा हमने अभी रिसेंटली नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है आदि महोत्सव उसको क्या किया गया है लॉन्च किया गया है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को फाइन तो हमने देखा पंद्रह फरवरी तक चलेगा इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पर यह दिल्ली हार्ट में हो रहा है दिल्ली तो ये हो सकता है कि कहां पे हो रहा है लोकेशन लोकेशन को पूछ सकते हो तो आपको पता है दिल्ली सिर्फ दिल्ली आपको पता है दिल्ली ली में डेली हार्ट है ना आई के पास वहां पे हो रहा है वहां पे इट इज टेकिंग प्लेस वहां पे इट इज टेकिंग प्लेस क्लियर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट सो देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं छोटे छोटे करंट अफेयर्स है कितने इंपॉर्टेंट है देखिए म्यांमार की कैपिटल है नेपिटॉप गेटिंग इट मैं आपको बता देता हूँ डोंट वरी सो पहले यंगून होती थी अब नहीं है हालांकि अभी भी उनकी बहुत बड़ी सिटी है वो लेकिन म्यांमार की कैपिटल उन्होंने चेंज कर दी ना आर्मी ने सब चेंज कर दिया लार्जेस्ट so, सिटी यंगूनी है लेकिन उनकी जो अगर हम वैसे देखते हैं तो कैपिटल होगी नेपिटो ठीक है मैं आपको एक बार बता देता हूँ लिख के एक बार रुक जाऊ ये देखना दो सिटीज वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है म्यांमार में यहीं पे मैं लिख दूं so, ये लो से देख लो म्यांमार फाइन रहा है सबको ये आप नोट कर लेना यहां पे एवरीवन अगर किसी को भी डाउट है ना म्यांमार की मैं कैपिटल बता रहा हूँ ऑफकोर्स नेपिडो है फाइन और लार्जेस्ट सिटी यंगून है पहले कैपिटल यंगूनी होती थी चेंज कर दिया गया था या इजी वेरी इजी सो अगेन ये चीज़ें जितनी भी हैं दे आर क्वाइट इजी हमें अपने पड़ोसी परुण, मुल्क के बारे में कम से कम इतना तो पता होना ज़रूरी है व्हाट इज द करेंसी कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार अगर आपने इतना पूछा है तो ये भी बता दो मुझे करेंसी ऑफ म्यांमार मारीज करेंसी क्या है कौन बताएगा मुझे इट्स इट्स क्वाइट इजी आई सपोज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन चलिए ये लो मार की करेंसी क्या है कयात इट इज कयात ऐसे बोलते हैं हिंदी में कयात बर्मीज कयात बोलते हैं इसको फाइन कयात इज द करेंसी सो नहीं नहीं बर्मा कैपिटल नहीं आ देते आप म्यन्मार का पुराना नाम है बर्मा नया नाम है म्यन्मार और उनकी उनकी करेंसी है कयात कैपिटल है नेपिटो पुरानी कैपिटल थी यंगून आई होप दैट्स क्लियर फाइन म्यन्मार को ही पहले हम लोग बोलते थे आ, बर्मा चलिए कोई बात नहीं अब आपको इंडियन कोस्ट गार्ड से पता कब बनाते हैं हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है 44 इयर्स को बने थे कब बने थे कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ इनकी एनिवर्सरी बताइए फर्स्ट फेब को सेकेंड फेब को थर्ड फेब को या फोर्थ फेब को इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है जैसे नेवी डे होता है आर्मी डे एयरफोर्स डे होता है ना वैसे कोस्ट गार्ड डे होता है ये बताइएगा मुझे क्विकली आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कब मनाते हैं फर्स्ट फरवरी याद रखिएगा एक फरवरी 1977 में हमने देखा था इंडियन कोस्ट का भारतीय तट तटरक्षक जो है वो आए थे ये देखिए इट वॉज स्टैब्लिश सो दैट इज हाउ वी सी दैट फर्स्ट फेबररी ईजी है ना इट्स वेरी इजी अब कभी आप भूलोगे नहीं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये टॉपिक क्योंकि मैंगलोर में हम लोग क्या बना रहे हैं इनके लिए एक अकेडमी बना रहे हैं ट्रेनिंग अकेडमी पता है कि नहीं पता है मैंगलोर में ट्रेनिंग अकेडमी आ रही है ना इंडियन कोस्ट गार्ड की पहले तो इंडियन नेवी के साथ ही हम लोग कर लेते थे इनकी लेकिन अब इनकी अपनी ट्रेनिंग अकेडमी आ रही तो इसलिए काफी न्यूज में रहा है इट हैज बीन इन लॉट ऑफ न्यूज फाइन अच्छा अब आपको पता होगा हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग डे मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे पता कब मनाते हैं हम लोग सेकेंड फेबर को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे इस बार कुछ स्पेशल था इस बार 2021 का वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत स्पेशल था क्यों था क्योंकि 50 इयर्स पूरे हो गए हमें इट वॉज फिफ्टी ईयर्स एनिवर्सरी ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड सेकेंड फेबररी नाइनटीन सेवेंटी वन की है ये तो हमने कितने दिन कितने साल पूरे हो गए हमारे फिफ्टी ईयर्स पूरे हो गए इस कन्वेंशन के एक इसके लिए वेटलैंड के जैसे लेक्स वगैरह होती है ना उसके लिए थी ये सो दैट इज वाई ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले हफ्ते था यह दिन सेकेंड फेबररी इसमें भी एक सेशन किया गया था इस बार की थीम क्या है द थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज वेटलैंड एंड वाटर दिस वॉज द थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये बात याद रखिएगा थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन दिनों की इन दिनों की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है इट इज वेटलैंड्स एंड वाटर थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेटलैंड्स एंड वाटर फाइन सो इट बेसिकली हाईलाइट कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वेटलैंड्स का हर एक चीज में वेटलैंड एंड वाटर वॉज द थीम ये कई क्वेश्चन ये कई पेपर्स में आने के चांसेज है इसको अच्छे से करके जाना फाइन इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग द सेशन आदित्य हेडक्वाटर किसका बताएं बताओ आपको वेटलैंड्स का कोई ऐसा हडक्वाटर नहीं है राजे अगर होता तो मैं ज़रूर बताता इसका कोई ऐसे हेडक्वाटर है नहीं वेटलैंड्स का क्लियर सो दैट इज़ वाई आई कैन टेल यू द देडक्वाटर यहाँ पे थीम होती है हेडक्वाटर नहीं होता थीम होती फेब में हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे भी ऑब्जर्व करते हैं क्या करते हैं हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अब बताइए वर्ड कैंसर डे कब होता है फेब में इट्स इन फेब बट कब होता है देखिए सुशी स्मिता आपके पास नौ महीने नौ महीने का टाइम है अभी तो आप देख लो अभी नौ महीने का टाइम है आपके पास है सी के लिए चौदह नवंबर को पेपर है सी का मैं क्लास के एंड में ही डिस्कस करूंगा पहले आप ये बताओ जरा फटाफट आदित्य फोर्टी टू नाम्सर साइट सर आज अभी तो मैं वीकली करंट अफेयर कर रहा हूँ ना सारा नहीं बता सकता बहुत बढ़िया विथ सेलिब्रेट फोर्थ फाइव द थीम बिल्कुल ऑन फोर्थ फाइव हमने बना थीम क्या थी थीम आई एम एंड आई विल कहते हैं ना फाइट करना आई एम एंड आई विल ये क्या थी थीम थी वर्ल्ड कैंसर डे की इस बार की थीम थी ये ये भी आपको याद होना चाहिए आई एम एंड आई विल गेट द पॉइंट सो दिस सर्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अच्छा ये बताओ इंडिया को आज़ादी कब मिली अंग्रेज़ी हुकूमत से इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, 15 में पंद्रह अगस्त नाइनटीन और हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका उसको आज़ादी मिली 1948 में और जैसे हम लोग फिफ्टीथ अगस्त को मनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं पता है फेबररी में मनाते हैं फेब में बट कौन सी डेट है इनकी इंडिपेंडेंस डे की अभी रिसेंटली मनाया है इन्होंने रिसेंटली इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया कब मनाया बताइए मुझे फटाफट कब मनाया इन लोगों right ने अपना इंडिपेंडेंस डे बताइए वॉट वुड बी द राइट आंसर इट वॉज ऑन फोर्थ फेब 1948 दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस याद रखिएगा चार फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है श्रीलंका की हिस्ट्री में और क्योंकि हमारा पड़ोसी है तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है फाइन अभी लास्ट वीक था ये श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया करंट अफेयर्स में यू नेवर नो इट शुड बी नोन टू ऑल ऑफ यू क्लियर आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टेंडिंग आई एम टेलिंग यू सबको समझ आ रही है रेलिवेंस इन करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा है एनी ये देखना स्मृति इरानी जी जो है इन्होंने भी इंटरनेशनल जो सिल्क फेयर है वो लगाया है वो स्टार्ट किया है याद रखिएगा फाइन देखिए वो 24 25 है एज में इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आपको पता होना चाहिए इट्स अ फाइव डे इवेंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट सिल्क एक फाइबर होता ना, silk. है ना सिल्क सिल्क की साड़ियाँ होती हैं सिल्क के कपड़े होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइबर हैं सिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू फाइन अच्छा अब जैसे आपको पता होगा विंटर जैसे खेलो इंडिया बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है खेलो इंडिया इज एवरीवेयर इनफैक्ट खेलो इंडिया हरियाणा भी होस्ट करने के लिए तैयार है लास्ट ईयर हमने देखा गुवाहाटी होस्टेड दैट बट नाउ सम हाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज हमने देखा विंटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया ने विंटर स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी काम किया और अभी रिसेंटली एक विंटर स्पोर्ट्स हुए हैं तो कहाँ पे हुए हैं वो हमने देखा खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स हुए हैं जंस्कार में जंस्कार कहाँ पे है जंस्कार वैली इज इन लद्दाख तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि जंस्कार वैली कहाँ पे है जंस्कार वैली इज इन लद्दाख फाइन लद्दाख तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत लंबा फेस्टिवल चला काफ़ी यहाँ पे स्पोर्ट्स किए गए तो ये खेलो इंडिया के तहत सारा करवाया गया है ये सारी चीज़ें खेलो इंडिया के तहत करवाई गई हैं फाइन बिल्कुल अब एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है याद रखिएगा गवर्नमेंट ने बोला है कि इंश्योरेंस के अंदर एफडीए कैप इंक्रीज़ करें सेवेंटी फोर परसेंट तक मतलब एग्जिस्टिंग कैप कितनी फोर्टी नाइन परसेंट उसको बढ़ा रहे हैं एफ को कितना करे, कर रहे हैं 74% कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट गेटिंग इट सो ये आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है तो ये बात दैट एफ डी आई जो है ये बहुत बड़ी चीज होती है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरन की इन्वेस्टमेंट और क्या होता है यहां पे कि हमने लिमिट्स रखी होती है कि इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर फिल्म एवियशन का अलग है अब uh, इसका इंश्योरेंस का अलग है डिफेंस का अलग है तो हमने यहाँ पे 49 से 74 परसेंट कर दिया हाँ अभी तक 100 परसेंट नहीं किया है फाइन तो ये थोड़ा सा आपको पता होना ज़रूरी है यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली ऑल टुगेदर आई होप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी समझ आ गए इतना सो so, बहुत बेसिक सी चीज़ है जो तो कि हमें पता होनी चाहिए एनी डाउट्स बिल्कुल चलिए यहाँ समझ आ गया ना चलिए अब ये देखिएगा हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की हम लोग कई बार उत्तराखंड की बात करते हैं सो उत्तराखंड है सेटअप बोटेनिकल गार्डन फॉर वॉट टू कंजर्व ट्रीज ऑफ शिवालिक रेंज फाइन ये आपको क्लियरली पता होना बहुत ज़रूरी एवरी वन तो आप ये देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट सर्डली इट कैन प्रूव टू ऑल ऑफ यू समझ आ गया So, आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है यू हैव टू कीप दम इन योर माइंड हम लोग क्या देखते हैं शिवालिक अर्बोरिटियम तो आपको ये पता होना शिवालिक अर्बोरिटियम कौन सी स्टेट में है इट्स इन विद स्टेट इट्स इन उत्तराखंड ये कहाँ पे है उत्तराखंड में फाइन अब आप देख सकते हो यहां पे। हमने कितनी सारी चीजें देखी हैं लाइसेंस पार्क हमने देखा एवरीथिंग इज देयर तो यस आई नो इट वॉज अ वेरी सैड थिंग जो कि हमने देखा अभी कैसट इट हैपन बट इट वॉज अ बिग डिजास्टर विच हैपन उत्तराखंड बिल्कुल देखिए मनोरमा बहुत बल्कि होती है ऐश मनोरमा वेरी बल्कि तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है नैनीताल नैनीताल कहाँ है उत्तराखंड में सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग याद रहेगा तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉपरली याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ओनली इफ़ यू हैव गॉट गुड आइडिया तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमने क्या देखा एशियन ऑनलाइन शूटिंग स्टार्ट हुई थी पता है कि नहीं तो इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है इसमें मेडल टैली में इसने क्या किया टॉप किया है इंडिया ने याद रखिएगा ये तो इसको ऑर्गेनाइज किससे कराया था कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने कराया था ये आपको पता होना चाहिए इट व ऑर्गेनाइज बाय कुवैत स्पेशली एफ कैट के अंदर स्पोर्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है एफ कैट के अंदर स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सो यू शुड हैव दिस थिंग इन योर माइंड ऑलवेज क्लियर है इतना तो इंडिया हैज टॉप द मेडल टैली विद 11 मेडल्स इन द फर्स्ट ऑनलाइन शूटिंग अब कोविड की वजह से ऑनलाइन करवाना पड़ा था तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 11 मेडल्स और गोल्ड मेडल कईयों को मिला है बट यू जस्ट हैव टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑनलाइन जो हुआ है उसके अंदर इंडिया ने ग्यारह मेडल के साथ टॉप किया है इज इट क्लियर एनी अब जैसे स्पोर्ट्स का ये एक और मैं आपको बता देता हूँ आपको पता होगा रिसेंटली तमिलनाडु वन आ, यहाँ पे सैयद मुश्ताक जो ट्रॉफी होती है टी ट्वेंटी की उसमें से वन दिनेश कार्तिक डेड वेल फॉर दैम क्लियर सो ये आपको बताना चाहिए बस तमिलनाडु इज द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी ट्वेंटी की ऑनलाइन होता है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है आदित्य उसको कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है वो ऑनलाइन इस सेंस में गेटिंग द पॉइंट सो दैट इज हाउ इट इज डन ऑलवेज सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग विच यू नीड टू हैव इन योर माइंड ऑलवेज एनी डाउट क्लियर है अच्छा अब एक चीज देखिएगा वेटलैंड कंजर्वेशन का बहुत ज्यादा ट्रेंड है वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में हम लोग काफी बात करते हैं सो so, यहां याद रखेगा वी हैव सीन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इंडिया हेज गॉट इट्स फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर इन चेन्नई फाइन पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर का बन गया चेन्नई में तो सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट हैजैब्लिश दैट पर्टिकुलर थी बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे यह बना है सो इट्स अ वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर विच इज इन चेन्नई वेयर इट इज लोकेटेड तमिलनाडु फाइन यस ऑनलाइन शूटिंग ऑनलाइन शूटिंग यस आई विल ट्राई टू शो यू द पिक्चर्स ऑफ द ऑनलाइन शूटिंग हाउ इट वॉज डन क्योंकि यहाँ पे इट वॉज डन द फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा फर्स्ट टाइम इसको किया गया है एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग पहली बार इसको करवाया गया है इतने बड़े लेवल पे एंड इट वाज ऑल डन ऑनलाइन फाइन तो देखो ऑनलाइन में होता क्या है ऑनलाइन का सिर्फ इतना है कि यू डोंट हैव टू गो दैट आप एक जगह पे रहते हो और वहाँ पे आपके रिज़ल्ट सारे कंपाइल हो जाते हैं आपके जो भी रिज़ल्ट है वो क्या हो जाते हैं कंपाइल हो जाते हैं इट्स एज सिंपल एज दैट गेटिंग द पॉइंट सो ऑनलाइन में यही होता है कि यू आर सर्टली नॉट गोइंग एट अ पर्टिकुलर वेन्यू एंड इट इज ऑल गेटिंग कंपाइल्ड बेसिकली ट्रैवलिंग आपकी बेसिकली मिनिमाइज की जा रही है इन शॉर्ट योर ट्रैवलिंग इज बींग मिनिमाइज आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर्स आई हैव गॉट फ्रॉम दैट सो इट इट मे हेल्प यू ये देखिएगा कोई इतने ऑर्गेनाइज करवाया था ना ये दिस इज द वन सो यहां पे यू यह है ना ट्रैवलिंग बेसिकली हां जी हां जी आशीष बिल्कुल सही बात है अच्छा अब हमने देखा एरो 2021 इस पर भी हमने एक पूरा बनाया था एरो 2021 ट्वेंटी वन रिमेम्बर हमने जब एरो ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात की है तो आप मुझे बताएंगे बेसिकली कहां पर हुआ था एरो ट्वेंटी ट्वेंटी वन कहां पर हुआ था एनी आइडिया वेयर डिड इट टेक प्लेस एरो ट्वेंटी ट्वेंटी वन बेंगलुरु में बेंगलुरु में ये देख सकते हैं आप एयरफोर्स स्टेशन येलाहांका बेंगलुरु फाइन अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इट वॉज अर जुबली ये स्टार्ट हुआ था 96, 1996 में और 2021 में इसने 25 ईयर कंप्लीट किए 25 फाइव ईयर तो ये क्या था इसकी सिल्वर जुबली थी क्लियर सो आपने देखा थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे अलग अलग टीम्स ने अपने कर्तव्य दिखाए बहुत बढ़िया कैटी गेट सो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि कहां पर हुआ था क्योंकि अब ट्वेंटी फाइव कंप्लीट कर लिया ना इसने अगर 25 फाइव ईयर्स कम्प्लीट ना करते दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग बट बिकॉज इट हैज कम्पलीटेड ट्वेंटी फाइव ईयर्स इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉटेंट यला अंकअप बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए हमारी जो एरोटिक्स टीम है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाती है आई एम श्योर आपने सुना होगा उनके बारे में एरोबेटिक्स टीम के बारे में दे परफॉर्म वेरी नाइसली इन दिस पर्टिकुलर इवेंट ठीक है सो एरोबेटिक टीम चाहे स्कैट हो चाहे सारंग हो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन अपना दिखाया आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा सूर्य किरण टीम होती है सारंग टीम होती है एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट एवरी वन इज इट क्लियर सो आई जस्ट ट्राई टू शो यू पिक्चर ओवर ये देखिए स्कैट स्कैट क्या होता है सूर्य किरण जैसे ये जो प्लेन दिख रहे हैं ना आपको हॉक्स ये प्लेन कौन सा है बी ए का हॉक है हॉक बी ए का हॉक है और ये हेलीकॉप्टर कौन सा हेलीकॉप्टर होता है ध्रुव ये हेलीकॉप्टर ध्रुव तो ये जो सारंग टीम है ध्रुव हेलीकॉप्टर उड़ाती है स्कैट टीम जो सूर्य किरण टीम है वो उड़ाती है हॉक तो इस तरह से बहुत सुंदर फॉर्मेशंस करते हैं स्काई में जाके फाइन दैट इज हाउ वी ऑब्जर्व दैट सिल्वर जुबली एरो इंडिया शो की हुई है 25 साल इसने कंप्लीट किया 96 से 2021 तक 25 साल हो गए हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्लियर नहीं नहीं राम सर के 50 ईयर्स हुए हैं इसके 25 फाइव ईयर्स हुए हैं इसके मैं वही बात आपको बता रहा हूं इज इट क्लियर एनी चलिए अब देखिएगा हमने देखा भाव्यलाल इज अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा भाव्यलाल लाल यू गेटिंग द पॉइंट भाव्यलाल तो नाउ व्हाई वाज ही इन अ सो इन अ लॉट ऑफ न्यूज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली ही इज इंडियन अमेरिकन ही इज इंडियन अमेरिकन और ये काफी न्यूज में थे इसी वजह से इज द पॉइंट क्लियर भाव्यलाल देखो अब यूएस की जो भी इस तरह की न्यूज होती है हम लोग जैसे सुंदर पिचाई को ले लो सो हु एवर इज अचीविंग अ लॉट इन द यू एस वी सर्टली पे अ लॉट ऑफ फोकस ऑन दैट हम लोग काफी उस चीज को फोकस में रखते हैं और इसलिए इस चीज को भी हम लोग फोकस में रख रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक आई है उसका नाम आपने सुना होगा द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट वो किसने लिखी है कोई बताएगा मुझे द लिटिल बुक ऑफ इंक्रेजमेंट बताइए ज़रा एनी आइडिया बहुत प्यारी बुक है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट बाई दलाई लामा फाइन सो ये एक बेसिक इंकरेजमेंट के क्योंकि कहा जा रहा है कि यहां पर बहुत सारे कोर्ट्स हैं जो आपको इंकरेजमेंट दे सकते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखी है द लिटिल बुक इंकरेजमेंट एंड दैट सर्टली कैन प्रूव टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड दैट इज बाई ये किताब लिखी गई है इज दैट क्लियर आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू फाइन बिल्कुल अच्छा अब ये बताओ चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में कौन जानता है हिस्ट्री पढ़ी है ना चौरी, चौरी, चौरी चौरा इंसिडेंट हु नो अबाउट चौरी चौरा इंसिडेंट बताइए वेरी गुड थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट चौरी चौरा सो आई वुड लाइक यू ऑल टू कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू नो about चोरी-चोरा। एनसीएम थी एनसीएम को स्टॉप किया गया था चौरी चौरा के द्वारा अभी रिसेंटली यू कैन टेक ऑल्सो द स्क्रीन शॉट फोर्थ फेबर को हुआ था अभी उसके सौ साल पूरे हुए हैं ना तो हमने क्या देखा बिल्कुल अब हाल यहाँ पे आपने देखना है एक चीज़ इट्स अ हंड्रेड एनिवर्सरी हालांकि 1922 में हुआ था अभी 2021 है तो हमने इसको सेलिब्रेट किया है बेसिकली इज इट क्लियर सो दैट इज द एनिवर्सरी ऑफ चौरी चौरा ये किसकी एनिवर्सरी है चौरी चौरा के यूनिवर्सिटी एवरी वन कहां पे है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन सो ये बहुत बेसिक सी चीज है हिस्ट्री की चीज़ें भी जब हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट करती हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वन द हिस्टोरिकल थिंग्स आर कम्प्लीटली हंड्रेड ईयर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस दे बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस क्लियर एनी डाउट्स यहां तक तो चौरी चौरा पता है ना यहां वायलेंस हुई थी बहुत बड़ी तो इसको बेसिकली देखा गया पुलिस ऑफिशियर वर्क बाय द पब्लिक एबसल्यूटली तो ये हंड्रेड एनिवर्सरी हो जाती है इसकी अब ये देखेगा बजट ने इस बार क्या किया इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन आउट द हंड्रेड न्यू सैनिक स्कूल विल भी इस्टेब्लिश सौ नए सैनिक स्कूल बनेंगे दिल बी एफिलटेड बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी इज इट क्लियर किसकी बात हो रही है सैनिक स्कूल्स की सैनिक स्कूल्स इन इंडिया नाउ द बेसिक आइडियाज देखियो सैनिक स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है ये आपको ग्रूम करते स्टार्टिंग से अब देखो हर बच्चा आर आई एम सी में एडमिट नहीं हो सकता सो देन इवन इफ यू आर नॉट गोइंग टू द आर आई एम सी यू कैन स्टिल गो टू द सैनिक स्कूल सिंपल सी बात है गेटिंग इट सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सैनिक स्कूल में जाके आपकी ग्रूमिंग होती है एंड यू आर वेरी मच एबल टू एंटर द इंडियन आर्म फोर्सेज जो कि आपको पहले से मोल्ड करके रखा जाता है उस हिसाब से तो सैनिक स्कूल में उस तरह की ग्रूमिंग होती है आपकी गेटिंग इट सो सौ नए सैनिक स्कूल बनेंगे एंड द गर्ल कैंडिडेट्स आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू क्लास सिक्स इन ऑल थर्टी थ्री सैनिक स्कूल सबसे बड़ी बात है क्लियर तो so, आप सबको ये पता होना चाहिए इट इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव आई वुड से नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पहली यूटी बन चुकी है जो कि कोरोना फ्री है इट्स द फर्स्ट यूटी टू बिकम कोरोना फ्री दैट्स अगेन अ वेरी बिग थिंग गेटिंग इट कोरोना फ्री है कौन यहां पे ये कोरोना फ्री है आप से अभी देखिएगा हमने क्या देखा आत्मनिर्भरता इट हैज बीन नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी जैसे हर डिक्शनरी का वर्ड होता है ना पर्टिकुलर साल का तो 2020 का वर्ड आत्मनिर्भरता बनाया गया है आत्मनिर्भरता इज द वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंस याद रहेगा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर कि हिंदी वर्ड कौन सा है मतलब बेस्ट वर्ड बोल लो या सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड रहा ट्वेंटी का वो सेल्फ रिलायंस रहा क्योंकि इंडिया ने भी आत्मनिर्भर अभियान की बात की ना यहां पे इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रहा है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए पॉइंट्स समझ आ गया तो देखो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जब करंट अफेयर में आती है तो हमें कई बार पता नहीं चलता कहां से आ गया सो दैट्स वाई वी ट्राई टू क्लियर इट ऑल सो दैट ये चीजें हमें अच्छे से समझ आ जाए ताकि हमें ये चीजें अच्छे से समझ आ जाए अब देखो कई बार क्या होता है कोई एक्सीडेंट होता है कई बार कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हाथ या पैर काटना पड़ता है लिम्स को काटना पड़ता है एम्प्यूट करना पड़ता है तो इंडिया का पहला एमप्यूटी क्लिनिक कहां लॉन्च हुआ है चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में आपको पता ही होगा बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीआई पीजीआई पता है ना आपको एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है हॉस्पिटल है पीजीआई तो पीजीआई जी एमप्यूटी क्लिनिक जो है इट हैज़ बिन सेटअप विद द एम ऑफ इंप्रूविंग इंप्रूविंग एम्प्यूटेशन पेशेंट केयर इंडिया में अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है गेटिंग इट इंडिया में अभी तक हमें पता ही नहीं है इसके बारे में कि एमपीयू क्लिनिक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमारे पास आ चुका है पीजीआई चंडीगढ़ में तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन गेटिंग इट सो ऑल द पॉइंट्स ऑल द पॉइंट्स आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी मैं आपको बता रहा हूं आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम नाइसली समझ आ रहा है इतना सो so, चीजें देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि हमें रटना है चीजों को बस हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए दैट इज मोर देन एन दैट वुड बी मोर देन एन क्लियर अच्छा अब ये देखिए ऋषभ पंत क्या है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ होता है ना तो इस बार के प्लेयर ऑफ द मंथ है ऋषभ पंत इस बार ऋषभ पंत इज द प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द मंथ इस तरह से याद रख लो एटलीस्ट एफकेट के लिए मैं बता सकते बहुत इंपॉर्टेंट है इज इट क्लियर इट इज सर्टली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल टूगेदर एनी डाउट एनी डाउट यू हैव यू कैन लेट मी नो बिल्कुल चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेनमार्क की डेनमार्क इज अ यूरोपियन कंट्री अब अगेन दीज आर द काइंड ऑफ कंट्रीज विच ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ वेरी इनोवेटिव थिंग्स बहुत ज्यादा ही इनोवेटिव चीजों को जन्म देते हैं तो हम बात करते हैं डेनमार्क की इट इज गोइंग टू क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी नॉर्थ सी पता है आपको ब्रिटेन के एकदम बगल में है ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है जब एक मंथ पूरा निकल जाता है ना तब हम लोग करते हैं जैसे जैन निकला है तो हम लोग उस हिसाब से करते हैं फेब का तो होगा अभी तो जैन अभी निकला है तो उसका हम लोग देखते हैं फेब का तो हो नहीं ना सकता फैबका तो होना है अभी That's how it is. अब ये देखिएगा डेनमार्क एक कंट्री है यहां पर वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनेगा इट विल स्टोर एनफ ग्रीन एनर्जी टू तो मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ये बहुत एक बड़ा आइलैंड है और हम लोग देखेंगे अट्ठारह फुटबॉल की जैसे पिचेज होती है इससे होगा चौतीस बिलियन डॉलर की लागत से बनेगा आर्टिफिशियल आइलैंड इट विल लिंक टू ऑफ विंड विंड पे बहुत सारी विंटरबाइन लगाई जाएंगी ये देखो यहां परूम करके दिखाता दिखाऊं दिख रही है आपको कैन सी ये 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 देखो ये अभी है, ये अभी है क्लियर नहीं है ये देखना इस तरह से बहुत सारी ये विंड विंटरबाइन होंगी यहां पे मतलब सेल्फ सफिशियंट रहेगा ये ये सेल्फ सफिशियंट रहेगा क्लियर दैट इज हाउ इट इज लातेश आपके कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं That is how we are looking at it. So, this is very important. It is going to be a very important scenario in itself. You're getting the point. So, it's very important, but these is very important. Altogether, I hope it is clear to all of you. I hope it is clear to all of you. Fine. Any doubts you have, you can let me know right now. Anyways, you have heard Aisha She was in a lot of news. Why? हाँ जी हाँ जी डेनमार्क तो है ही है लैंड ऑफ वेंट्स बिल्कुल सही बात है आयशा अजीज़ वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज़ अ यंग गर्ल फ्रॉम कश्मीर जस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड वाई वाज़ शी इन अ लॉट ऑफ न्यूज़ बताइए वाई वॉज़ शी इन अ लॉट ऑफ न्यूज़ आयशा अजीज एवरी वन थिंक अबाउट इट Absolutely. She has become the youngest female pilot in India. So that's how you have to look at this particular current affairs. that achha, Now it depicts two things. So that's the reason why it is so much important. There is a reason why it's so much. She is not an IS officer, no. So basically, she is the very young pilot. She is also youngest pilot to get the license at the age of 15, 2011. She went to training, you know, make 29 jet, Russia Sokol Air Base 12. और उसके बाद नाउ शी इज़ अ वेरी यंग पायलट फ्रॉम कश्मीर सो यू शुड नो आयशा अजीज़ किस चीज़ के साथ रिलेटेड है फाइन रशिया में इनकी ट्रेनिंग रही आयशा अजीज़ इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन आई वुड से फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर हु वांट्स टू बिकम पायलट ये उन सबके लिए बहुत बड़ी एक इंस्परेशन बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है आप ये बोल सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ वी सी दैट तो आपको बस ये चीज़ समझनी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हैं किस तरह से हम लोग उस चीज को लेकर चलते हैं हाउ आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड देम नाइसली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फाइन इज इट क्लियर बिल्कुल कमर्शियल पायलट है जी कमर्शियल पायलट एब्सोल्युटली अच्छा नाउ इंडिया टू होस्ट ओशियन इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव अब आपको याद रखना है इंडियन ओशियन रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे मॉलडीव रहता है इंडिया श्रीलंका एवरीथिंग इज है तो आपको याद रखना है कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मतलब क्या है दैट इंडिया इज हैविंग अ गुड कमांड इन द रीजन इंडिया किस रीजन में अच्छी कमांड है यह चीज यहां से डिपिक्ट हो रही है बेसिकली सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन दैट परस्पेक्टिव इसी तरह से हम लोग इन चीजों को देख कर चलते हैं गेटिंग द पॉइंट सो यू हैव टू बी वेरी मच वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट कि किस तरह से इन चीजों को देखना सो यू कैन लाइक द वीडियो सो दैट इट इज एडेड टू यूर लाइक वीडियो इंडिया है उसका फिफ्टी थर्ड रैंक रहा है इन दई यूज डेमोक्रेटिक इंडेक्स इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट होती है ना वहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमारा थिंक टैंक है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स निकालता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स माना जाता है वन कंट्रीज़ को रैंक किया गया और वहाँ पर इंडिया का जो रैंक है वो कुछ खास नहीं रहा वहाँ पर कुछ खास नहीं रहा इंडिया स्लिप टू प्लेसेस टू फिफ्टी थर्ड फिफ्टी फर्स्ट से फिफ्टी थर्ड पर आ गई है तो याद रखिएगा तो इंडिया को मतलब फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी में रखा गया अब पहले तो आपको पता होना चाहिए ई आई यू का हेडक्वाटर कहाँ पर है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ई आई यू लोकेटेड हु विल टेल मी ई आई यू पता है ना द इकोनॉमिस्ट की ही ये वेंचर है एक तरह से इसका हेडक्वाटर कौन बताएगा मुझे इट्स इन लंडन ये मैं यहाँ पे लिख दिया है देख लेना हेडक्वाटर इज इन लंडन नाइनटीन में बनी थी और हमने देखा है अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जैसे इलेक्शन कैसे होते हैं सिविल लिबर्टीज कैसी हैं गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है ल कल्चर कैसा करप्शन वगैरह सब कुछ देखा जाता है तो यहां पे टॉप पे कौन रहा नॉर्वे फिर आइसलैंड है फिर स्विजरलैंड फिर न्यूजीलैंड है फिर कैनेडा है ये रहे टॉप पे और बाकी इंडिया का तो आपको रैंक पता ही है इट इज फिफ्टी थर्ड पोजिशन विच इज सर्टली नॉट अ वेरी गुड रैंक फिफ्टी थर्ड रैंक इज नॉट अ वेरी गुड रैंक फाइन वॉट इज दैट दैट इज ई आई यू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट याद रहेगा ई आई यू इसकी रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है सबको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फिफ्टी थर्ड रैंक ये बात याद रखना हमेशा वॉट हैज बीन द इंडिया इट्स वेरी इजी एंड यू शुड कीप दैट इन योर माइंड क्लियर अच्छा अब ये देखना एक कैंपेन लॉन्च हुई है सांस कैंपेन बाई वॉज इट इन लॉट ऑफ न्यूज सांस कैंपेन देखो हम लोग बात करते हैं इन्फेंट मोटेलिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में इन्फेंट मतलब एक साल की उम्र से पहले बच्चे की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे सांस मतलब क्या सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली हमने देखा है छोटे बच्चों की जो डेथ है ना जो एक साल वन ईयर से छोटे बच्चे हैं निमोनिया से डेथ होती है उनके लंग्स में पानी भर जाता है तो हमने देखा है अल्टीमेटली इन्होंने पी चंडीगढ़ के साथ पार्टनरशिप भी की है किस तरह से हम लोग इसके खिलाफ मुहिम चलाएं अवेयरनेस लेके आए ताकि लोगों को इससे दिक्कत ना हो ताकि लोगों को इससे दिक्कत ना हो एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर हो गया इतना हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो कंटेंट मैंने बता दिया था क्या था आई होप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो सांस कैंपेन इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि हम लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से जान पाए देखो सिंपल सी बात है आपने ये सारी जो चीजें हैं इसको प्रॉपर तरीके से क्यों समझ समझ के करना है क्योंकि इस तरह से एग्जाम आएगा हमारा जो एग्जाम है ना वो इसी तरीके से आना है सो वी हैव टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमें इन चीजों के बारे में हमेशा तैयार रहना है क्लियर आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरी वन एनी डाउट यू हैव यू कैन लेट मी नो अगर कोई भी आपके जहन में डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं आई क्लियर इट ऑफ वैसे आई थिंक कि सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाई गई तो आपको क्लियर ही होगा क्लियर है चलो नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओवर दैट वॉट इज दैट हम जब देखते हैं हमारा एग्जाम चलो कल वाला हो गया बहुत अच्छी बात है सी डी एस वन इज गॉन नाउ जो चला गया वो बीत गया वो ख़त्म है बात अब नेक्स्ट क्या है आ रहा है अब आप ये देखो नेक्स्ट ईयर हैविंग एफ कट आपको पता है एफ एफ में बीस इक्कीस बाईस फरवरी को क्या है एफ कट का पेपर है आपका सबका है फाइन देखिए ई आई यू कोई को फंक्शन नहीं देती है, वो एक थिंक टैंक है हमने देखा सी डी एस टू का जो पेपर है वो आ रहा है फोर्टीन नवंबर को उसके बीच में सी ए पी एफ का पेपर है दीज आर द एग्जाम्स पहली बात तो ये है फाइन नाउ वेन यू हैव ऑल दीज एग्जाम्स तो उसके लिए वट ग्रेडअप हैज फॉर यू ग्रेडअप हैज गॉट वेरियस कोर्सेज ना वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज फेब्रवरी मेला एज यू ऑल नो डबल वेलिडी फिफ्टी परसेंट ऑफ दैट इज इफ यू बाय फॉर नाइन मंथ यू गेट नाइन मंथ एक्स्ट्रा लेस देन फाइव थाउजेंड यू गेट फॉर ट्वेल्व मंथ्स एंड लेस देन फोर थाउजेंड एंड इफ यू आर एमिंग एट एनी एग्जामिनेशन विच इज विद इन स्पेन ऑफ वन ईयर यू कैन गो फर दिस थिंग आप ट्वेल्व मंथ वाली सब्स्रिप्शन ले सकते हैं एंड वट वन सब्सक्रिप्शन हैज़ फॉर यू एक सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या मिलता है अब ये देखिए नॉट ओनली सी डी एस बट ऑल्सो सी एपीएफ एस एस बी कोर्सेज करंट अफेयर एवरी थिंग इज दैर एंड यू वी आर लॉन्चिंग आर लॉन्चिंग फाउंडेशन कोर्स ऑफ सी डी एस टू जो कि फोर्टीन कोर्स इन इंग्लिश ऑल्सो ट्वेल्थ फेब्रवरी को, को लॉन्च होगा ऑल दीज कोर्स विच यू कैन चेक आउट ऑन द एप्लीकेशन

Make sure you like and subscribe to the channel and you share the video so that the maximum of the people can take advantage of this current affairs. Thank you so much. It was great having this session as always, and I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you.